स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर किसी सांप के अंदर जहर ना भी हो फिर भी उसे काटना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि सांप के अंदर जहर नहीं है तो वो उसे मार देंगे। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि अच्छे बनो, दूसरे लोगों की मदद करो और हमेशा सीधे बन के रहो, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सीधे पेड़ ही अक्सर काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। बहुत बन लिए सीधे, अब वक्त आ चुका है बुरा बनने का। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नेचर से बुरा बनना है, बल्कि आपको बुरा बनना है उन लोगों के लिए जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो लोग आपको आपकी औकात दिखाते हैं, उन लोगों के लिए बुरा बनो। कब तक अपनी ज़िंदगी घुट घुट कर जीते रहोगे, कब तक दूसरों के ताने सुनते रहोगे? अगर जिस जगह पर आपकी गलती ना हो उस जगह पर आपको सुनने का हक नहीं है, कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपको बार बार तंग कर रहा है, तो एक बार तो बुरे बन ही जाओ और उसको दिखाओ उसकी औकात। सीधे लोगों से चाहे कुछ भी कह दो वो कभी भी पलट के जवाब नहीं देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। सीधे लोगों को ये लगता है कि वो इंसान वैसे ही मान जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि एक बार अगर उसको आदत लग जाएगी तो वो आपको बार बार परेशान करेगा और आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसे वहीं रोक दो और उसको बताओ उसकी औकात। बुरे लोग ही दुनिया पर राज करते हैं, इसलिए कभी भी सीधे बनकर मत रहो बल्कि बुरे बनो। बुरे लोगों को दुनिया इज्जत देती है, उनको सलाम ठोकती है, तो बुरे बनो। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं। लोहे और सोने में फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि सोना कम अवेलेबल है और इसीलिए उसकी कीमत आसमान छू रही है। कभी भी कोई भी कहे कि भाई वहाँ चल रहा है, साफ मना कर दो। हाँ, हो सकता है कि उसको बुरा लग जाए, लेकिन आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में बढ़ जाएगी। अगर आप ज़्यादा अवेलेबल रहते हो तो आपकी वैल्यू तो कम होगी बल्कि कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो खुद का स्टैंडर्ड डिसाइड करो और हमेशा अवेलेबल मत रहो। दूसरों की मदद करो पर इतनी भी नहीं कि लोग कहें इसके तो कुछ काम ही नहीं है। हर किसी की हाँ में आम लाना बंद कर दो, इससे लोग आपको चतुर नहीं बल्कि लोग आपको पागल समझते हैं। अगर आपको कुछ काम गलत लग रहा है तो उससे कहो कि भाई ये काम गलत है। सीधे लोग बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं। अगर कोई उनसे कह दे कि चल भाई वहाँ चल रहे हैं तो वो ना नहीं कहते हैं और इसीलिए लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो आज से और अभी से कम अवेलेबल रहना शुरू कर दो और अपनी इज्जत बढ़ाओ। अगर कोई आपके मुंह पर कुछ कहता है तो मुंह तोड़ के जवाब दो और कहो कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। बुरे बनो, तभी आप सफल बनोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बुरे बनो।